दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसा फेस बनाऊँ, एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाऊँ जिसका फेस सबको इंस्पायर करे, छोटे बड़े सबको। तो मुझे लगा कि जो सौमित्र चटर्जी है उनका फेस से बढ़िया मुझे मोटिवेशनल फेस नहीं मिलेगा। तो आज हम उनका एक पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाटर कलर को। पहले तो हमें ड्रॉ करना है ठीक से, बहुत ही बारीकी से ध्यान से ड्रॉ करना है, क्योंकि पोर्ट्रेट जब भी हम ड्रॉ करते हैं वाटर कलर के लिए तो हैंडमेड में करना पड़ता है, और हैंडमेड में ज़्यादा आप इरेज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पेपर ख़राब हो जाएगा। तो ठीक से आपको ड्रॉ करना है ध्यान से, उसके बाद धीरे धीरे पोर्ट्रेट को समझना है कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पे कौन सी कलर ज़्यादा सूट करेगा, कौन सी कलर है, कौन सी कलर टोन है, कौन सी कलर का कौन सा डार्क टोन है, कौन सा लाइट टोन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो आईज है, क्योंकि आईज से ही आपको एक्सप्रेशन का ज़्यादातर हिस्सा पता चलता है। तो आपको आईज को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि जो आई ग्लासेस हैं उसके लिए मुझे अलग से थोड़ा मौका मिल गया है, जो आईज है उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग करने के लिए।
मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख ही सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ मुझे। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लाता हूँ, लाने की कोशिश करता हूँ, वाटर कलर, पेस्टल कलर, ड्राइंग, कुछ भी हो।